सारे नू सत श्री अकाल जी। परमजीत सिद्धू की किचन दे विच बहुत बहुत स्वागत है। अज आपां बनावांगे नाश्ते दे विच खाण वाला बहुत ही टेस्टी जिहा, भावें आपां बच्चों नू लंच बॉक्स च पा के देईए, भावें आपां नाश्ते दे विच बनाईए, मसाला परौंठा। जिहड़ा कि बनाउण वास्ते आपां ने पहला तो चंगी तरह हत्थ साफ सुथरे कर लिए, आटा छान लिया। आपां कणक दा आटा लवांगे, विच थोड़ा जिहा नमक पा लिया, 2 चम्मच आपां पावांगे कुकिंग ऑयल दे, पा लईए भावें देसी घिओ दे, पा लईए उहनूं चंगी तरह आपां मिक्स कर लांगे नमक नूं ते मोइन नूं। चंगी तरह मिक्स करन तो फिर बाद नॉर्मल आटे नॉर्मल पानी नाल आपां आटा गुन्न लवांगे। ये परौंठा बहुत टेस्टी बनता है, कुरकुरा क्रिस्पी एंड पूरा वधिया बनता है, टेस्टी जिहा। चंगी तरह आपां आटे नूं गुन्न लांगे, क्योंकि जिन्ना चंगी तरह आटा गुन्निया होगा उन्नी ज़्यादा वधिया रोटी वधिया आउंदी है। पूरी तरह नीड कर लांगे आपां आटे नूं। लो जी, आपां आटा लिया गुन्न, ते हुण आपां करदे हां परौंठे की तैयारी। व्यूअर्स, वीडियो के चलते चलते मेरी वीडियो नूं लाइक भी कर दिओ, ते जे तुसीं मेरे चैनल ते पहली बारी आए हो तो मेरे चैनल नूं भी सबसक्राइब जरूर कर लिओ घंटी समेत। तो लो जी, हुण आपां हाथ नूं थोड़ा सुक्का आटा ला के आम फुलके नालों थोड़ा जिहा आपां ज़्यादा आटा लवांगे, जिड्डा कि आपां परौंठा बनाउणा होवेगा। दोनों साइडों तो सुक्का आटा ला के फालतू झाड़ के जिवें आपां नॉर्मल रोटी बनाने एक बारी, तो उस तरह आपां रोटी वेल लवांगे पूरी। तो रोटी वेलन तो बाद हुण इहदे विच आपां पावांगे मसाला परौंठा, तां मसाले जाणगे। सब तो पहला आपां देसी घिओ ला लांगे सारे परौंठे दे विच ला के रोटी दे उपर। फिर पाता नमक, लाल मिर्च पाउडर, उस तो पाता थोड़ा जिहा गर्म मसाला, उस तो बाद पाता जी भुन्या होया ते कुटिया काला जीरा, जीरा काली मिर्च ते चाट मसाला। तो इत्थे मैं एक चीज़ भुल गई भी, जे अगर आपां मेथी जा के धनिया पाउणा होवे तो वह भी पा लिए, बहुत टेस्टी लगता। इस तरह कटिंग करके तो इहनूं आपां हुण तह बर तह दे आवांगे, तो चार तैयां दा परौंठा ला लांगे आपां। तकोना इस तरह के परौंठे, मतलब कि इस तरह कटिंग करके परत दर परत कीते, परतां खुलदियां बहुत सोहणियां इस परौंठे दियां। हुण इहनूं आपां हल्के हत्थ नाल हल्का हल्का घुमाउंदे होए ते थलदे होए आपां इहनूं वेल लवांगे। ये आपां परौंठा सारियां तरफां तो इक्को जिहा वेलांगे, नहीं भी विच्चों पतला जां कि साइडां तो मोटा जां कि साइडां तो बरीक ते विच्चों मोटा, इक्को जिहा आपां वेलांगे। जिन्हें नूं आपां परौंठा वेलिया उन्हें नूं अपना जिहड़ा तवा है वह भी पूरा एन गर्म हो चुकिया। लो जी, हुण आपां इहनूं थोड़े हाथ नाल छंड लांगे, फालतू आटा लग्गिया हो तां वह भी नालों झड़ जूगा। हुण अपना कोलों तवा भी गर्म हो चुकिया, तां उहदे ते आपां लावांगे थोड़ा जिहा देसी घिओ, तवा चुप्पड़ लवांगे पहलां, फिर उत्ते पा देंगे जी परौंठा। अग मैं परौंठे दे थले मीडियम ही रखी हुई है, क्योंकि क्रिस्पी जिहा फिर ही बनता है भी मीडियम जी अग होवे तां। कुछ सकिंटां बाद ही फिर आपां इहनूं इहदा इहदी साइड बदली कर देवांगे। थोड़ा जिहा अठर जे गया उपरों तां इहदी साइड बदली कर देवांगे। मीडियम आंच ते पक्या होया परौंठा बहुत टेस्टी लगता है। अगर दही जां मखनी है तां सब तो वधिया गल, नहीं भी दही मखनी तां इह परौंठा चाह नाल ही बहुत टेस्टी लगता है। दूसरी साइड तो भी हल्की जी ब्राउन चिट्टी आ गई है। हुण आपां इहनूं दोनों साइडां तो चोपड़ दांगे देसी घिओ नाल। घिओ देसी घिओ नाल बनाईए भावें आपां कुकिंग ऑयल नाल बना लईए, उह अपनी आपदी मर्जी है, पर देसी घ्यो नाल बनिया होया बहुत करारा क्रिस्पी लगता है। ये उस तरह ही आप दूसरी साइड तो भी चोपड़ देवांगे। दोनों साइडा तो अदल बदल करते हुए वधिया एन क्रिस्पी करारा परौंठा बन के अपने कोले रेडी है। वेखो, वेखन तो ही लगी जांदा भी किन्ना टेस्टी बनिया होगा, किन्ना क्रिस्पी बनिया होगा। ये इस तरह की कटिंग करके तह दर तह लाए हुए तो वेखो एन सारिया तहियां बरोबर खुलदियां, विचों किन्ना वधिया मसाला एक सार सारे परौंठे च आया होया। घ्यो पिघलिया होया, सो आपां उपर इस तरह ही लगा लांगे। बस अपने कोल मसाला परौंठा बन के रेडी है, जिहड़ा कि उपरों आपां देसी घ्यो नाल गार्निश कीता है। इनू होर किसी भी चीज नाल कोई जरूरत नहीं, चाह का कप गर्म गर्म लिया हो बहुत टेस्टी लगता है।
नाश्ते दे विच खादा होया। वीवर्स अगर मेरी अज दी मसाला परौंठे दी तुहानू वीडियो पसंद आउंदी है तां इहनू लाइक करना, फैमिली फ्रेंड दे नाल शेयर करना, और जो वीवर्स मेरे चैनल ते फर्स्ट टाइम वीडियो वेख रहे हैं प्लीज़ उन्हां नूं रिक्वेस्ट है मेरी चैनल नूं सबसक्राइब जरूर करना और घंटी वाला बटन भी प्रेस कर देना ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे तक जल्द तो जल्द पहुँच सके। मेरी सारी वीडियो वेखने लई तुहाडा बहुत बहुत थैंक यू।